गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एवर देर्थ हाउ आर यू आई थिंक यू ऑल आर सेफ एट होम लेट्स नाउ वी स्टडी ऑफ मैथ सब्जेक्ट्स टॉपिक टूडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन इन हिंदी बिन एट फर्स्ट वी लर्न डेफिनेशंस ऑफ फ्रैक्शन व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट्स रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन यदि अपन किसी भी होल पार्ट को किसी भी इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है फ्रैक्शन मिलता है जैसे कि मेरे पास में वन पार्ट है उसको मैंने टू से डिवाइड कर दिया यानी इसके टू इक्वल पार्ट्स बना दिए तो ये मेरी वन अपॉन टू फ्रैक्शन हो गई। इसी प्रकार मेरे पास में यदि क्या है कोई ऑब्जेक्ट थ्री है उसके मैंने फोर पार्ट्स बना दिए इक्वल थ्री अपॉन फोर। हैंस वी डिवाइड ए सर्किल इंटू ए फोर इक्वल पार्ट जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है एक सर्किल है इसको मैंने फोर पार्ट्स के अंदर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो ये फ्रैक्शन टोटल पार्ट्स कितना था वन कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया फोर के अंदर तो ये फ्रैक्शन कौन सी हो गई वन अपॉन फोर। वी कैन रिप्रेजेंट फ्रैक्शन विथ डी एन अपॉन डी अपन फ्रैक्शन को एन अपॉन डी या ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। एन का मतलब होता है न्यूमिरेटर एंड डी का मतलब होता है डिनोमिनेटर और जो ये बीच में लाइन होती है स्ट्रेट लाइन इसको अपन विनकुलम भी बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में अपन अपॉन भी बोलते हैं यानी जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है मैंने नाइन अपॉन फोर नाइन न्यूमिरेटर है फोर डिनोमिनेटर है और ये क्या हो गई ये फ्रैक्शन हो गई। ओनली होल नंबर्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होल नंबर ही चाहिए जैसे थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है। अब है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग न्यूमिरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिसका न्यूमिरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की तुलना में छोटा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि टू अपॉन फाइव टू न्यूमिरेटर है फाइव डिनोमिनेटर है टू फाइव से लेस है। एट अपॉन फिफ्टीन एट न्यूमिरेटर है फिफ्टीन डिनोमिनेटर है इट मीन्स एट है वो 15 से लेस है यानी वो फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमिरेटर होता है डिनोमिनेटर की तुलना में छोटा होता है उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट द प्रॉपर फ्रैक्शन इट मींस इन दिस फ्रैक्शन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थ्री अपॉन टू थ्री डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर टू डिनोमिनेटर थ्री इज ग्रेटर देन टू। 12 अपॉन 7, 12 इज न्यूमिरेटर 7 इज डिनोमिनेटर इट मीन्स 12 इज ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन कंजस्टिंग ऑफ ए होल इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक होल पार्ट होता है एंड सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी एक तो होल नंबर होगा जैसे कि 2 है ये होल पार्ट है और सेकंड जो इसका होगा वो इम्प्रॉपर नहीं होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो इस फ्रैक्शन को पर बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। वन थ्री अपॉन सेवन वन इज होल पार्ट थ्री अपॉन सेवन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन यानी ये जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो ही हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं यानी जिसका डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो बड़ा। ओके देन आफ्टर अपन चेक किस तरीके से कर सकते हैं जैसे एग्जांपल है 17 अपॉन 5 17 है ग्रेटर है न्यूमिरेटर है वो ज़्यादा है एंड 5 है वो कम है इसको अपन ने डिवाइड किया तो अपना आंसर आया 3 2 अपॉन 5 3 इज ए होल पार्ट एंड 2 अपॉन 5 इज ए इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देन आफ्टर यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन विथ न्यूमिरेटर वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट सबसे सिंपल है यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर सभी में वन हो वो यूनिट फ्रैक्शन होती है 1/9 1/7 1/11 1/13 1/100 सभी के सभी क्या है यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट जिसका डिनोमिनेटर सभी में सेम हो न्यूमिरेटर डिफरेंट हो वो लाइक फ्रैक्शन होती है जैसे 12/5 7/5 14/5 सभी का डिनोमिनेटर वो सेम है 5 है इसलिए इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन।
नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिसका जो डिनोमिनेटर होता है डिफरेंट होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो होता है डिफरेंट, वो कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे 9/11, 4/9, 13/15, etc. कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इन टू लाइक फ्रैक्शन सी बाई हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 5/8, 1/6 एंड 12/6, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो सबसे पहले अपन को इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है. अपन ने इस मेथड से एलसीएम ले लिया. अपना एलसीएम आया 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, ये 24 हो गया. अब आपको क्या करना है, 3 को 24 से डिवाइड करना है. तो क्या आएगा, ये जो अपन ने सबसे पहले लिया कि इसको डिवाइड किया तो 3 आया. मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 है अपनी फ्रैक्शन है. इसको अपन 3 जो आंसर आया उसको बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, 15/24. इसकी नेक्स्ट है 1/6, 1/6 पहले 6 है, इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो 6 × 4 = 24, 4/4 से करेंगे तो 4/24 आ गया. फिर 1/12 है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट मींस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, 2/24. अब ये 15/24, 4/24, 2/24 सभी में डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये किस में चेंज हो गई, लाइक फ्रैक्शन. यानी अनलाइक फ्रैक्शन को यदि आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज में लोगे, एलसीएम मेथड. नेक्स्ट है इक्विलेंट फ्रैक्शन. टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर नोन एज इक्विलेंट फ्रैक्शन. इक्विलेंट फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर कितनी भी फ्रैक्शंस हो उसके अंदर उनका जो एंड प्रोडक्ट मिले वो सेम मिले. जैसे टू फाइंड एन इक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अपन मल्टीप्लाई मेथड भी यूज में ले सकते हैं और डिवाइड मेथड भी यूज में ले सकते हैं. जैसे 5/7 इसकी इक्विलेंट फ्रैक्शन है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/14 आ जाएगा. 3 से करोगे तो 15/21. अब इनको वापस अपन यदि डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो आपको स्टार्टिंग की जो फ्रैक्शन है वो मिल जाएगी, इसको बोलते हैं इक्विलेंट फ्रैक्शन. वी विल मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो नंबर्स इफ द गिवन फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी कभी भी जीरो से अपन मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट इज चेकिंग द टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विलेंट. यदि आपके पास में दो फ्रैक्शन है वो सेम है या नहीं, इसको अपन किस मेथड से चेक कर सकते हैं, इसको अपन इस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं. यानी आपके पास में दो फ्रैक्शन है, एक a/b है, एक c/d है, वो आपस में इक्वल है या नहीं, इसको चेक कैसे कर सकते हैं. इसके लिए इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो a/d, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई c/d. अपन चेक करते हैं, एग्जाम्पल में लेती हूँ, 4/7 है, 12/42 है. इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा. दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलेंट फ्रैक्शन नहीं है. यदि अपन को LHS और RHS दोनों प्रोडक्ट यदि सेम मिल जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेंट फ्रैक्शंस. डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कम्प्लीट इन ऑल बुक्स ऑफ क्लास 6, 7, 8. फ्रैक्शन इज गिवन, सो एट होम ट्राई टू सोल्व ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स देन आई एक्सप्लेन अगेन.